मेरी तमाम प्रत्याशियों से मेरी बात हुई और जो एक उत्साह की लहर एनडीए के जो उत्साह की लहर लोजपा के प्रत्याशियों में है और खासतौर पर लोजपा के कार्यकर्ताओं में है, ये अपने में दर्शाता है कि लोजपा का प्रदर्शन हम लोगों का अच्छा रहा है। प्रत्याशी तमाम हमारे उत्साहित हैं, खुश हैं, पार्टी के कार्यकर्ता खुश हैं और ये कहीं ना कहीं जो बदलाव के लिए कल वोट दिया गया और विकास के नाम पर आप लोगों के चैनल्स पे ही जितने भी लोगों से पूछा गया कि आपने मतदान किस आधार पर किया, तो हर किसी का ये कहना कि ये बदलाव के लिए है, विकास के नाम पर है, रोजगार के लिए है। अगर ये मुद्दे चिन्हित हो रहे हैं तो मुझे खुशी है कि इस बार जातीयता के बंधन टूटे हैं और लोगों ने विकास, रोजगार, इन तमाम चीज़ों पर मतदान दिया और तभी एक अपार जन समर्थन लोजपा के तमाम प्रत्याशियों को मिला। आपको कितना उम्मीद है कल के चुनाव के बाद? देखिए, मैं सीटों की कोई संख्या नहीं बताऊंगा, पर एक बात स्पष्ट है कि अगली सरकार 10 तारीख के बाद भाजपा लोजपा की बन रही है और हर वो व्यक्ति जो बिहार में अब विकास चाहता है, हर वो व्यक्ति जो बिहार से पलायन को रोकना चाहता है, बिहार में ही बेहतर शिक्षा रोजगार के अवसर चाहता है, वो जहाँ जहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं उनको और जहाँ पर लोक जनशक्ति पार्टी के प्रत्याशी हैं उन्हीं को चुनाव करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। सर, आपने ट्वीट किया है, आज आपने ट्वीट किया है कि प्रधानमंत्री बिहार में आए थे, जिस तरह की बातें कही गई है, नीतीश कुमार पर भी आपने ट्वीट किया है, क्या कुछ कहा है? देखिए, कल जिस तरीके से राहुल गांधी जी का बयान एक सामने आया और जिस तरीके से ये घटना की तस्वीर हम लोगों ने देखी कि पंजाब में दशहरे के दिन रावण दहन हम लोग करते हैं और वहाँ पर प्रधानमंत्री जी की तस्वीर, प्रधानमंत्री जी का पुतला बनाकर उसका दहन किया गया, मुझे लगता है कि पूरे देश का अपमान है। लोक जनशक्ति पार्टी, मैं खुद व्यक्तिगत तौर पर इसकी घोर निंदा करता हूं। प्रधानमंत्री जी जहां एक तरफ देश का नाम दुनिया में रोशन कर रहे हैं, देश का सम्मान दुनिया में रोशन कर रहे हैं, वहीं अपने ही देश में इस तरीके से करना ये कहीं ना कहीं गलत है। खास तौर पर इशू मुझे इस बात का भी है, चिंता इस बात की भी कि वो बिहार की धरती पर आकर ये सब करते हैं और बिहार के मुख्यमंत्री जो उनके साथ मन साझा करते नहीं थकते, जो उनकी बातें करते आजकल नहीं थक रहे अपने राजनीतिक लाभ के लिए, वो इसके ऊपर एक शब्द नहीं बोलते हैं। बिहार की धरती पर आकर कोई हमारे प्रधानमंत्री जी का अपमान कर जाता है और उसके बाद भी हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी एकदम खामोश रहते हैं, एक शब्द तक नहीं बोलते। भैया, क्या साठगांठ चल रही है आपकी राहुल गांधी जी के साथ कि राहुल गांधी अगर कुछ कह रहे हैं तो उसके ऊपर आप खामोश रह रहे हैं? प्रधानमंत्री जी का अपमान वो आपके सामने आप ही की धरती पर, और तथाकथित आप एक गठबंधन में है प्रधानमंत्री जी के साथ, उसके बावजूद जहां पर आपको उनका संरक्षण करना चाहिए आप एक शब्द नहीं बोलते हैं। जहां लोक जनशक्ति पार्टी इसकी निंदा करती है, वहीं मुख्यमंत्री से भी हम लोग सवाल पूछते हैं कि राहुल गांधी जी ने बिहार की धरती पर जो प्रधानमंत्री का अपमान किया उसके बाद मुख्यमंत्री खामोश क्यों है? भाजपा के साथ आप मिलकर दावा कर रहे हैं, लेकिन भाजपा आपको तजब्बो नहीं दे रही है, क्या मानते हैं? अरे कोई बात नहीं भाई, भाजपा के कुछ नेता हैं जो अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए शायद कुछ बातें नहीं बोले, पर जनता समझ रही है हर वो व्यक्ति जो बिहार में भाजपा की सरकार बनाना चाहता है वो भाजपा और लोजपा के प्रत्याशियों को जिताने में लगा हुआ है।